हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीति फैशन डिजाइनर। आइए हम बाजू की मिडिल सेंटर में और डिजाइंस लगाते हैं। इसके लिए ये हमारे पास बाजू है, ये बाजू की अस्तर का कपड़ा है और ये डिजाइंस लगाने के लिए और ये पाइपिंग है लगाने के लिए। तो इसके लिए देखिए, हमने जैसे हम 4 इंच की कपड़े की पट्टी यूज करेंगे, तो हमने 3 इंच में इसमें से निकाल देना है। बीच का जो पार्ट है 3 इंच का, इसमें हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। देखिए जो मिडिल सेंटर है उस पे ध्यान रखिए, एक इस तरफ और 1.5 इंच में एक इस तरफ, और आप इस पे हल्का सा कट लगा सकते हैं जो फ्रंट की साइड है, और यहाँ पे भी आप कट लगा सकते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। और अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये बाजू का सेंटर है और ये 1.5 इंच इस तरफ मार्किंग है, 1.5 इंच इस तरफ मार्किंग है। पाइपिंग लगाएंगे यहाँ पे और सीधी अटैच करेंगे। प्रकार इस तरफ भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। इस तरफ हमें पाइपिंग को फोल्ड करना है, डोरी को इस तरफ रखें और यहां से कट करके फोल्ड करना है। पाइपिंग को हल्का सा खींच कर लेना है। ये दोनों जैसे हमने स्टिच की है वैसे ही हम दूसरी जो बाजू तैयार करेंगे, जो बीच का पार्ट अब हम इसे कट करके अलग कर देंगे। पहले कट नहीं करना है, कट हमें बाद में करना है। और जो थोड़ी सी आधा इंच की स्टिचिंग की होती है उसको रख ले और 1-2 कट सिर्फ आप लगा ले इस पे, और लगा करके इसको ऐसे आपको फोल्ड करना है, सीधी स्टिचिंग करनी है। पार्ट को एक को हमने तैयार कर लिया है, इसको भी हम वैसे ही कट करेंगे और आधा इंच से बिल्कुल एक्स्ट्रा ना रखे ताकि पाइपिंग ना दिखाई दे, पाइपिंग भी ना कटे। जो अंदर का पार्ट है इसको 1-2 कट लगा ले और इसको ऐसे फोल्ड करें। और ध्यान रखिए जो बाजू है आमने सामने की रख करके फिर मार्किंग करें, फिर पाइपिंग अटैच करें और फिर कटिंग करके ऐसे पाइपिंग को फोल्ड करना है। पाइपिंग दोनों पार्ट्स में जो हाफ आप कट करके अटैच कर लिया है। अब ये देखिए जो हमारा बीच में लगाने वाला पैटर्न है उसकी हम कट करते हैं इस प्रकार से, इनको बीच में रख करके और 4 इंच का, 4 इंच का में और बाजू की नेप की, जैसे हमारी बाजू की 5 इंच की लंबाई है तो 5 इंच की ये इसकी लंबाई होगी और जो चौड़ाई वो ली है हमने वो 4 इंच ली है। तो इस प्रकार से हमने ये 2 पट्टियां कटिंग कर ली है। अब हम इन पे और ये 2 पहले अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से क्रोश पट्टी लगाएंगे, ये क्रोश पट्टी होगी हमारी। क्रोश पट्टी को सेंटर में यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जॉइंट लगाएंगे सिलाई, और इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने बाजू में। एक साइड हमें जॉइंट करनी है और इसी प्रकार आप इसे आलपिन से अटैच कर सकते हैं, सेट करके पट्टियों को और आलपिन लगा ले और इसके बाद आप इनकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो वैसे भी एक सिस्टम है, और अगर आप ऐसे नॉर्मली लगाना चाहें तो आप ऐसे भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो हमने इसको वैसे ही अटैच कर लिया है और इसी प्रकार से हम जो ये हमारी दूसरी है इस पे भी ऐसे अटैच कर रहे हैं। इनको अटैच करने वाली जो देखिए इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स, इसको कट कर लें आप। अब हम इस पे ये एक साइड है बाजू की इसको अटैच करेंगे और इसके बाद ये दूसरी साइड है हमारी बाजू की। तो
तीन इंच की डिस्टेंस छोड़ करके हम इसकी मार्किंग करेंगे पहले। और ये देखिए ये तीन इंच है। और एक हम इस पे पिन लगा लेते हैं, वन साइड आयल पिन से अटैच कर ले और इस साइड भी आप आयल पिन से अटैच करके और इसको ऐसे स्टिच करना है। दोनों जो हमारी बाजू है इनको ओन साइड के पार्ट में और हम अटैच करेंगे। और ये सिंगल पार्ट्स है और ऑन साइड का पार्ट्स है। और इसको हम और इस प्रकार से जो दोनों साइड है उसमें हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस पे अस्तर अटैच करेंगे। अब आप ब्लाउज पे और जो हमारी बाजू है इस पे अस्तर को ऐसे सीधा अटैच करेंगे ऑन साइड में, और ऑन साइड में अटैच करके इसको हम ऑफ साइड में फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारे इसको हमने जो फ्रिंज है उसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रिंज को ऐसे फोल्ड करेंगे और जो अस्तर है उसको हम ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये हमारी ऑफ साइड है स्लीव्स की और ये इस प्रकार से अस्तर आता है और ये ऑन साइड है। तो ये हमारी बाजू आपको कैसी लगी इसकी डिजाइन्स? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।